अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दोनों नहरों के बीच में जो दरगाह शरीफ में नमक वाले बाबा नाम से मशहूर है, हजरत पीर कैब शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यहाँ पे ये मस्जिद है, मस्जिद भी नई बनी है, पहले पुरानी मस्जिद थी, काफ़ी छोटी थी, उसको तब्दील करके दोबारा से बनाया गया। ये इधर दरगाह शरीफ जाने का रास्ता भी, दरगाह शरीफ में जाएंगे और वहाँ से फातिहा पढ़ेंगे। आपको पहले मैं इधर मार्केट का एरिया दिखा दूँ थोड़ा दोस्तों, ये यहाँ की मार्केट है और ये दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों नहरें हैं, ये पुराने वाली नहर है और ये देखिए आप यहाँ से नहर दिख भी रही है, ये रही नहर, ये पूरी मार्केट है, चादर वगैरह मिलती है यहाँ पे, झाड़ू वगैरह फूल वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों हम फातिहा पढ़ने के दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं, ये हज़रत करो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। हज़रत गैब शाह रहमतुल्लाह अलैहि का रोज़ा शरीफ अंदर है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله। दोस्तों ये यहां की मस्जिद है गरीब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की, नई बनी है दोबारा से, काफी खूबसूरत मस्जिद है। इसको मैंने भी अंदर से दिखाया था आपको, गुंबद में दिख रहा है हजरत का, और मैंने आपको नहर कहा। ये दरगाह शरीफ है, इसके बगल में ही नहर, देखिए दरगाह शरीफ नहर, ये बीच का रास्ता है और उधर जो है दूसरी साइड वो पुरानी वाली नहर है, तो दोनों नहरों के बीच में दरगाह शरीफ है गरीब समा रहमतुल्लाह। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके और इस चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से अच्छी और बेहतर वीडियो मिलती रहेगी। इस चैनल पर जो भी दरगाह शरीफ का एग्जाम है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, उसकी जानकारी देता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।